दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये जो नाइटी लेके आया हुआ है ये देखिए, ये नाइटी आप देखिए, इसका सिलाई भी देखिए। इसका नाम आपने देखा होगा, रेगलान स्लीव वाला नाइटी है ये। इसमें जो फ़र्क क्या है दूसरा नाइटियों में से, इसमें फ़र्क ये है, इसका ये जो स्लीव है, स्लीव और शोल्डर ये दोनों साथ में कटा हुआ होता है, और इसका जो स्लीव सीधा नेक में से जोड़ा हुआ होता है। ठीक है, आपको ये देखने से पता लगता है ये स्लीव सिंगल पीस लगा हुआ है, और नेक में से सीधा एक ही पीस में स्लीव भी, हमारा शोल्डर भी, दोनों सब साथ में लगा हुआ है। ठीक है, अभी आप इसका सिलाई देख लीजिए। आप इसमें जो नॉर्मल हम लगाते हैं उससे, उसके बिना ये जो फ्रंट में मिक्स एंड मैच पीस लगाया हुआ है, और जो एक बटन भी लगा हुआ है, जो गार्ड बांध के रखा हुआ है वो भी रखा हुआ है। ठीक है, और इसके फ्रंट और बैक एक ही तरह कटिंग हो जाता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ उसमें एक ही फर्क है, बैक साइड में हमने पाइपिंग नहीं लगा होता है, फ्रंट साइड में पूरा पाइपिंग लगा होता है। अगर आपको चाहिए रहेगा तो पीछे भी आपको पाइपिंग लगा सकता है। अभी इस ट्यूटोरियल में मैं इसका कटिंग और सिलाई पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका पूरा मेजरमेंट और पैटर्न पूरा मैं इसमें दिया हुआ है, ये देखिए आप लोगों को आराम से समझ सकता है। ये आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दीजिए, आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, हम अभी इसका इस ये पैटर्न के हिसाब से हमने इसका मार्किंग कर लेता हूँ। ये देखिए, इसका मेजरमेंट में पूरा इसमें दिया हुआ है, वही मेजरमेंट रख के मैं इसको काट लेता हूँ। ठीक है, ये जो शेप इसमें दिया हुआ है, जो कपड़े का हिसाब से दिया हुआ है, 3 मीटर का कपड़ा है, वो कपड़े के हिसाब से मैं इसमें पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, उसका गला, ये सब अलग अलग मेजरमेंट में इधर रेड कलर का इंक में लिखा हुआ है, वो आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, अभी इसके हिसाब से देखो, इसका जो नेक विड्थ हमने कम रखा हुआ है, जो नॉर्मल रखता है उससे कम रखा हुआ है, क्योंकि फ्रंट और बैक एक ही हिसाब से नेक कटा होता है। इसका 2.5 इंच का नेक विड्थ रखा हुआ है इसमें, वो दोनों जगह इसी तरह 2.5 इंच वाला मार्किंग कर लेने का। उसके बाद में देखो, 7 इंच का मार्किंग है, ये शोल्डर वाला हिसाब है, शोल्डर के लिए हम 7 इंच का मार्किंग इधर का कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में चेस्ट मेजरमेंट दिखाता हूँ मैं। देखो, 10.5 इंच का चेस्ट मेजरमेंट है, वो भी इधर मार्किंग कर लेता है। वो क्यों इस तरह मार्किंग करता है करके आपको आगे पता लगेगा, ये एक इसी तरीका मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसको उसके बाद में इसी तरह हम स्ट्रेट लाइन में बना देता है। ठीक है, अभी ये तो को अभी ये 9.5 वाला, 9.5 इंच वाला मार्किंग कर लेता है इस साइड में। उसके बाद में 4.5 इंच वाला एक मार्किंग, ठीक है, उधर से 1 इंच नीचे का एक और मार्किंग कर लेने का। ये देखो, इधर 6.5 इंच का फिर दोबारा करने का, जो हमने 2.5 इंच का लाइन बनाया हुआ है उधर। उसके बाद में ये देखो, ये 4.5 इंच वाले को 5.5 इंच वाले के साथ इसी तरह मिला देने का, तभी हमारा नेक का शेप बनाना है। अभी देखो, ये दो लंबा इसका डिफरेंस उधर से नाप के इधर रख के इसी तरह इसको सीधा ये लाइन में टच करके देखने का। अभी देखो, इसका मेजरमेंट है हमारा 7 इंच का, ये देखने का 7 इंच आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये बराबर 7 इंच आ रहा है, मतलब हमारा मेजरमेंट सही है। ठीक है, नहीं तो वो उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इधर आपको 8.5 इंच का एक मार्किंग कर लेने का, और स्लीव, जो स्लीव ओपनिंग है इधर, उसको इधर 7.5 इंच का बना देने का। इसमें जो स्लीव मैंने लंबा रखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो स्लीव शॉर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर इसकी उसको इसी तरह लाइन में कन्वर्ट कर देने का, जो मार्किंग जो है, ये जो अभी हम बना रहे हैं, ये देखो स्लीव हमारा पूरा रेडी हो गया, ये हमारा पूरा स्लीव है, ये पूरा अभी तैयार हो गया हमारे पास।
नेक भी तैयार हो गया, नेक के नीचे वाला हिस्सा भी तैयार हो गया। अभी देखो ये 9.5 इंच वाले हिस्से इसी तरह एक लाइन बना देने का सीधा। उसके बाद ये देखो इधर 10 इंच का एक मार्किंग है, ये इधर 10 इंच का मार्किंग कर लेते हैं इस साइड में, ठीक है। उसके बाद में ये देखो ये जो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 इंच का डिफरेंस आ रहा है, वही सही 4 इंच का डिफरेंस में इसी तरह रख के हम मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम मार्किंग कर लेते हैं उसको। अभी हम सीधा काट के उसको अलग कर देता है। ठीक है, हमारा अभी बॉडी का मेन पैनल हमारा कट के हो गया। अभी ऊपर वाला ये हिस्सा हम अलग अलग पीस कर देना है। देखो इसी तरह हम स्लीव काट लेते हैं, ये जो मार्किंग जो इसलिए दिया मैं, जरूर ध्यान में रखना स्लीव इसका बड़ा हो जाता है, नेक से सीधा स्लीव काट देता है, ठीक है। अभी स्लीव हो गया, ठीक है। अभी हमारा नेक पूरा तैयार हो गया। अभी देखिए ये हमारा नेक का नीचे वाला जो पीस आता है वही है, ये इसी तरह जुट जाता है, ठीक है। अभी इसमें हम मिक्स एंड मैच करना है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को उसका पीस भी। ठीक है, ये देखो दोनों स्लीव हो गया और मेन बॉडी हो गया, और ये देखो मिक्स एंड मैच करने के लिए जो पैनल आ गया फ्रंट और बैक, ठीक है। ये दोनों पीस अभी हमारे पास रेडी हो गया हुआ है, ये दोनों एक ही हिसाब से ही काट लेना, दो अलग अलग पीस काटा हुआ है इसलिए दोनों में थोड़ा फर्क है, लेकिन वो एक ही हिसाब से काट देना है। अभी हम इसका स्टिचिंग देखता हूँ किस तरह इसका स्टिचिंग करते करके। देखो सबसे पहले इसका स्लीव हम इसका किनारा मोड़ के सिलाई कर देता है, अब ये देखो इसका इतना छोटा रखे हमने इसको मोड़ के सिलाई कर देते पहले। दोनों स्लीव इसी तरह कर देने का। ठीक है, हमारा स्लीव तो अभी हो गया। अभी देखो यही पाइपिंग हम इसमें लगाता है, देखो किस तरह इसका पाइपिंग हम लगाता है। इसका जो पीछे वाला साइड के लिए हम इसमें नहीं लगाता है, जो फ्रंट और साइड वाला जो नक्के साइड जो है वही दोनों साइड में हम लगाता है। ठीक है, इसी तरह रख देने का इसमें, ये जो रखता है उसको बराबर ध्यान से देखने का, क्योंकि इसको देखो मैं लेफ्ट की तरफ थोड़ा प्रेशर दे के ये रखा हुआ है, क्योंकि जो पाइपिंग का पाइपिंग जो है रखा हुआ है उसका एकदम किनारे से हमें सिलाई होना चाहिए। ठीक है, इधर आएगा तो इधर उसको थोड़ा काट के देखो, मोड़ेगा तो इसी तरह दिखना चाहिए, इधर काट देने का इसको। इसी तरह काट के हम सीधा सिलाई कर देते इसको। ठीक है, बस इधर हम फिनिश कर देते हैं इसका सिलाई। अभी इसको देखो इसी तरह मोड़ देने का, ये जो कॉर्नर है उधर ये कॉर्नर को इसको काट देने का, इसी तरह काट के अंदर की तरफ इसी तरह मोड़ेगा तो हमारा पाइपिंग एकदम फिनिशिंग में बाहर की तरफ आ जाएगा।
ये पाइपिंग के जगह पे आपको जो अपना बायस पाइपिंग लगाता है वो भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रेडीमेड पाइपिंग आता है करके हमने इसको इसी तरह लगाया। अभी ये जो स्लीव का पीस में हमने पाइपिंग लगाया, इसी तरह इसका दूसरा साइड वाला स्लीव में भी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पाइपिंग लगाने का, ठीक है। इसमें हम इसी तरह लगाता है क्योंकि उसका सीधा ऑपोजिट साइड होना चाहिए ये। अगर आपको चाहिए तो इसका पीछे का तरफ भी आपको पाइपिंग लगा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने इसमें नहीं लगाता है। फ्रंट साइड और जो नेक वाला साइड जो आता है पीछे तक, वो दोनों साइड में ही लगाता है। ठीक है, ये इतना हो गया अभी। ठीक है, अभी देखो ये पूरा रेडी हो गया हमारा स्लीव दोनों। अभी इसका जो बीच में जो लगाने वाला है, ये देखो इसका दोनों साइड हमने प्लेन रखा हुआ है, पीछे वाला साइड, ठीक है। अभी इसमें जो बीच वाला पीस जोड़ना है हमें, अभी उसका भी किनारे में हम पाइपिंग लगाना पड़ेगा। देखिए ये दोनों पीस में अभी हम पाइपिंग लगाते हैं पहले। इसी तरह दोनों भी इसमें पाइपिंग लगा देने का। इसको देखो इसी तरह दोनों भी इसमें पाइपिंग लगा के हम इसका बीच में काट के इसको भी उसी तरह मोड़ना पड़ेगा। ये सब काम बहुत इसी है। ये जो मैं पहले आपको एक नई टी सिलाई करके दिखाया था वो उसी टाइप में आता है ये बाकी सारे काम। इसमें सबसे बड़ा काम वो स्लीव काटने का काम ही, उसमें ध्यान रखने का, बाकी तो जो नॉर्मल जो हम सिलाई करते हैं वही है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क रहता है, ठीक है। ये देखो इसको इसी तरह मोड़ देने का। एक बात जरूर ध्यान रखना, इसके बीच में इस तरह काटना चाहिए, नहीं तो बराबर नहीं मोड़ेगा वो, ठीक है। अभी इसके ऊपर से भी एक बार सिलाई कर देना, क्योंकि जो पाइपिंग लगाया हुआ है हमने वो बराबर लग जाएगा उधर। देखो इसी तरह हम सिलाई कर देते हैं इसका। ठीक है, अभी देखो पहले हम इसका पीछे वाला पीस जो है उसको लगाता है। देखो इसी तरह रखे, आराम से लगा सकते हैं पीछे वाला पीस। इसका जो फ्रंट वाला पीस लगाता है उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये पीछे वाला पीस लेकिन बहुत ईजी है। पहले ये आप लोग इसी तरह डबल सिलाई करके फिनिश कर देने का। ओके, ये एक साइड तो लग गया, अभी इसी तरह इसका दूसरा साइड भी आराम से हम सिलाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई देखने का कोई काम जरूरत नहीं है, एकदम जैसा हमने नॉर्मल जो जॉइंट लगाता है उसी तरह लगा देता है। अभी देखो पीछे वाला पीस बराबर लगा हुआ है हमारा।
अभी देखो इसका नाप देखने का, मैं 5 इंच का ही चौड़ाई रखा, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखा उसमें। अभी देखो फ्रंट वाला पीस हम जोड़ते हैं तो पहले इसको किस क्या करता है करके देख लो। देखो इसको इसी तरह खोल के रख देने का, ठीक है, जो हमने पाइपिंग लगाया हुआ है उसको इसी तरह रख के हमें ज्वाइन करना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर इसी तरह रख के। ठीक है, इसी तरह एकदम रखने का, फिर सिलाई कर देने का, वो भी जो पाइपिंग हम लगाया हुआ है वो पाइपिंग के जो किनारे से हमने सिलाई किया हुआ है उसी सिलाई के ऊपर से दोबारा ये रख के भी सिलाई कर देने का, तभी वो पाइपिंग बराबर हमें बाहर की तरफ आएगा, नहीं तो पाइपिंग आपका अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये देखो आप लोग, तभी आपको समझ में आएगा। देखो अभी इसी तरह मोड़ेगा तो वो पाइपिंग बराबर आपको दिखाई देगा, नहीं तो पाइपिंग आपका अंदर चले जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। ये जो पाइपिंग लगाया हमने उसका जो फ़ायदा हमें मिलने के लिए इसी तरह रख के सिलाई करना चाहिए। ठीक है, ये बराबर ध्यान में रख लेना। अभी दूसरा साइड भी उसी तरह जैसे हमने उधर लगाया वही हिसाब से हमने लगा देना है इधर। ठीक है, अभी ये देखो आगे और पीछे दोनों साइड हमें हमने इसको लगा दिया। ठीक है, एकदम परफेक्ट बैठ गया हुआ है। अभी देखो हमने इसका जो मेन पैनल लगाना है अभी फ्रंट वाला, वो पैनल किस तरह लगाता है करके देखो पहले। अभी देखो इसको पहले देखो, ये जो जोड़ हमने काटा हुआ है देखो इसी तरह इसको काटना चाहिए पहले, इसी तरह काट के इस तरह जैसे हमने रखा हुआ है मैंने इसी तरह आपको रखना पड़ेगा। देखो ये वाला जो साइड इसको अंदर की तरफ इसी तरह रख देने का, फिर इसी तरह रख देने का, क्योंकि ये जो सिलाई हमें इसी तरह आना चाहिए जैसा हमने ये जो बीच वाला पीस ज्वाइन किया हुआ है तब हमने किसी तरह रखा था, उसी हिसाब से हमें सिलाई आना पड़ेगा। ये देखो अभी देखो ये जो पाइपिंग के किनारे से ही हमें सिलाई करना है ये भी। ठीक है, देखो इसी तरह ही हम सिलाई कर देते हैं इसको। ये देखो ये जॉइंट की तरफ बराबर रखना चाहिए आप लोग, बराबर ध्यान देना उधर ही, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें सिर्फ वो यही जगह है प्रॉब्लम आने के लिए, दूसरा कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। अभी उसके बाद में देखो इसका जो मिडिल वाला जो कट लगा हुआ है हमने उसको इसी तरह देखो दोनों के बीच में रख के इधर एक पिन मार देने का, फिर जो एक्सेस कपड़ा जो भी है उसको इसी तरह पकड़ के प्लेट डाल के देने का, बस हमारा काम हो जाता है आराम का काम। ये सब जो हमने प्लेट डालता है नॉर्मली प्लेट डालता है वही हिसाब है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे हमने कोई भी चीज़ में प्लीट इसी तरह ही डालता है, हमने पैंट का सिलाई करता है जो चूड़ी पैंट सिलाई करता है पटियाला पैंट सिलाई करते हैं सब में हम इसी तरह ही प्लीट डाल के देते हैं, वही सेम हिसाब से हम इसमें भी प्लीट डाल देते हैं। ये देखो जो हिसाब से हमने उस साइड में प्लेट डाला है वो उसी हिसाब से हम इधर भी प्लेट डाल के आ रहा है। अभी इधर आएगा तो वो बराबर जुड़ जाना है, क्योंकि वही हिसाब से हमने सिलाई करके ला रहे हैं अभी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो ये साइड में भी आप पिन मार के
सिलाई करने का। ये देखो, ये बराबर, ये साइड बराबर उसी तरह ही खोल के रखना जैसा हमने उधर किया हुआ है स्टार्टिंग में। ये देखो, इसका आगे वाला पीस तो अभी लग गया हुआ है, इसका पाइपिंग भी आपको दिखाई देता है। देखो इसी तरह मोड़ेगा तो वो एकदम सही हो जाता है। अभी हम पीछे वाले पीस में इसका पैनल लगाता है। ये तो इस साइड में तो ये इसी काम है, क्योंकि इस साइड में हमें पाइपिंग नहीं लगाया हुआ है। अगर पाइपिंग लगाया तो हम जैसा उधर किया उसी तरह इधर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसी तरह रख के इसको सिर्फ ये जो लाइन है वो लाइन मैच करना चाहिए आप लोग, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। ठीक है, इसी तरह आके वो जो लाइन में आके हम उधर से मोड़ के सीधा सिलाई कर देते हैं, प्लेट डाल के जाता है अभी इधर से, जैसे हमने फ्रंट में किया उसी तरह इसका भी बीच वाला पीस में एक बार पिन लगा के रख दो, आराम से काम हो जाएगा आपको। देखो ये एकदम से हमारा सिलाई हो गया, पीछे वाला साइड में कोई टेंशन वाला काम है नहीं। अभी समझो हमारा सिलाई तो ये ख़त्म हो गया। अभी देखो ये देखिएगा तो आपको पता लगेगा, ये फ्रंट और बैक पूरा जोड़ के ख़त्म हो गया हुआ है, पीछे भी लगा हुआ है फ्रंट में भी लगा हुआ है, पीछे सिर्फ नेक की तरफ हमें पाइपिंग लगाया है। ठीक है, ठीक है, सब जगह सिलाई हमारा बराबर आ गया हुआ है, ये बराबर आप लोग ध्यान में देने का। ठीक है, ये देखिए अभी हमें इधर सिर्फ इसका जो एक बटन लगाते हैं और दूसरा जो गार्ड बांध के रखता है हमने, वो इसमें कर देना है। अभी वो किस तरह करते करके एक बार देखिए आप लोग, ये तो मैं पहले भी दिखाया, देखो एक कपड़े का पीस निकाल के इसी तरह मोड़ देता है, इसके अंदर ये धागा रखा हुआ है। ये जो डोरी वाला पाइपिंग के लिए जो थ्रेड मिलता है उसी तरह ये मिल जाता है, इसी तरह बांधने के लिए इसको रखे, देखो इसी तरह सिलाई करके वो धागे के ऊपर ये सिलाई होना चाहिए, वो बराबर ध्यान में रख देना आप लोग। उसके बाद में जो एक्सेस है उसको इसी तरह काट देगा, तो काट के इसको अंदर से बाहर कर दो, तभी हमारा चीज बन जाता है ये। ठीक है, उसी तरह इसका दोनों साइड में लगा के हम इसी तरह मोड़ के इसमें लग के सिलाई कर देते सीधा। ठीक है, ये सिलाई तो हो गया हमारा। अभी समझो हमारा सिलाई का काम हो गया, अभी सिर्फ इसमें इसका साइड जोड़ना है और ये जो बटन लगाना है, और कोई काम नहीं रहा अभी, बाकी सारे काम खत्म हो गया हुआ है। अभी देखो तो जो नॉर्मल हम सिलाई करके इसका साइड किनारा जोड़ता है वही कर देते हैं, साइड जोड़ दे रहा है, अभी साइड जोड़ के सिलाई करके किनारा मोड़ के इसका फिनिश कर देना है। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
और एक बात ना भूलिए, आप लोग कमेंट करना है ना भूलिए। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और नहीं तो मेरा फेसबुक पेज में आके मैसेज कर दीजिए आप लोग, मैं आप लोग को ज़रूर जवाब दे दूंगा। लेकिन एक बात ना भूलिए, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ये कभी ना भूलिए आप लोग। और भी आप लोगों को नए नए वीडियो लेके आऊँगा मैं। एक एक बात ध्यान रखना, जो लोग नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो 2-3 बार देखिए। देखने के बाद में आप लोग ट्राई कर लीजिए, आप लोगों को काम बराबर हो जाएगा। नहीं तो पहले एक बार देखने के बाद में आप कभी कोई कपड़ा ना काटिए, क्योंकि आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसलिए कभी भी आप लोग जो नया बिगिनर्स लोग है, बिगिनर्स लोग कभी भी 2-3 बार वीडियो देखना चाहिए। देखने के बाद ही आप लोग कुछ काम करने को ट्राई कर लो, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। आप लोगों को कभी प्रॉब्लम कुछ आना नहीं चाहिए करके मैं बोलता हूँ। जो लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।